आखिरी वक्त में ऐसी थी इस विलेन की हालत। फ्यूनरल से गायब था बॉलीवुड। त्रिदेव 1989, चमत्कार 1992, मोहरा 1994 और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 जैसी फिल्मों में नजर आए एक्टर गेविन पैकर्ड की जब डेथ हुई तो कोई भी बॉलीवुड स्टार उनकी अंतिम विदाई में शामिल नहीं हुआ। आखिरी वक्त में उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। डेथ के समय वे 47 साल के थे। आयरिश मूल के इंडियन एक्टर थे पैकर्ड। पैकर्ड का जन्म 8 जून 1964 को महाराष्ट्र के कल्याण में हुआ था। वे 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता अर्ल कंप्यूटर एक्सपर्ट थे और माँ बाबरा हाउसवाइफ, जो कोंकणी महाराष्ट्रन थी। पैकर्ड पैकॉर्ड के दादा आयरिश अमेरिकन थे। वे अस आर्मी के मेंबर के तौर पर बेंगलुरु आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारत में ही बसने का फैसला लिया। बॉडी बिल्डिंग में संजय दत्त सुनील शेट्टी को किया था ट्रेंड। पैकॉर्ड के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने कई स्टेट अवार्ड्स जीते थे। वे नेशनल अवार्ड भी अपने नाम कर चुके थे। उन्होंने संजय दत्त और सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी थी। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा को भी पैकर्ड ने ही ट्रेन किया था। पत्नी से अलग होने के बाद भाई के साथ रहते थे गेविन। गेविन का उनकी पत्नी से सेपरेशन हो गया था और जिंदगी के आखिरी दिनों में वे छोटे भाई डेरिल पैकॉर्ड के साथ रह रहे थे। गेविन की दो बेटियां एरिका पैकॉर्ड और कैमिली कायला पैकॉर्ड हैं। 18 मई 2012 को वसाई महाराष्ट्र में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से गेविन की डेथ हो गई। उन्हें बांद्रा मुंबई के सेंट एंड्रयूज इंद्रेव्स बुरियल ग्राउंड में दफनाया गया था। इलाका से रखा था बॉलीवुड में कदम। पैकर्ड ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मलयालम मूवी आर्यन 1988 से की थी। इसके करीब एक साथ बाद यानी 1989 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म इलाका रिलीज हुई। बाद में उन्होंने त्रिदेव 1989, सड़क 1991, चमत्कार 1992, आंखें 1993, मोहरा 1994, करण अर्जुन 1995, खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996, बड़े मियां छोटे मियां 1998 और हद कर दिया आपने 2000 जैसी फिल्मों में काम किया। गेविन की आखिरी फिल्म यह है जलवा 2002 में रिलीज हुई थी। अपने पूरे करियर में गेविन ने सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, गोविंदा और संजय दत्त जैसे कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया। अगर उनकी फिल्मोग्राफी को ध्यान से देखें तो ज्यादातर फिल्मों में उनके किरदार का नाम गेविन ही रहा है।